राजपूत समाजाचा सामूहिक विवाह सोहळा रविवारी थाटात संपन्न झाला. गाडीपुरा येथील श्री रेणुकामाता मंदिर संस्थानच्या वतीने या विवाह सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या विवाह सोहळ्याचे उद्घाटन आमदार बालाजी कल्याणकर यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख दत्ता पाटील कोकाटे, मंदिर संस्थानचे अध्यक्ष गुलाबसिंह परमार, सचिव गणेशसिंह कोंडल्ये यांच्यासह इतर मान्यवरांची उपस्थिती होती. महाराणा प्रतापसिंह पुतळा परिसरात पार पडलेल्या या सामूहिक विवाह सोहळ्यात एकूण 24 जोडपे विवाहबद्ध झाले. दरम्यान सकाळी श्री रेणुकामाता मंदिर गाडीपुरा येथून नवरदेवांची वरात काढण्यात आली. सायंकाळी 6:30 हा विवाह सोहळा संपन्न झाला. मागील 27 वर्षापासून मंदिर संस्थांच्या वतीने समाजातील गोरगरीब कुटुंबातील मुलामुलींचे विवाह लावून देण्याचा स्तुत्य उपक्रम सुरू आहे. या विवाह सोहळ्यात समाज बांधवांनी मोठी गर्दी केली होती. सत्तावीसवा सामूहिक विवाह मेळावा श्री क्षत्र समाज राजपूत रेणुका देवी मंदिर की ओर से संपन्न होने जा रहा है. आज सुबह माँ रेणुका देवी के दरबार में सभी वधुओं के वर के वजह वर के हाथों से माँ भगवती की आरती कर सबजन मिलकर सब समाज बंधु मिलकर बराते आज विवाह स्थल में पहुंची है. और ये बरात और अभी सज्जन भेंट का जो कार्यक्रम है आज वो पूरे विधि विधान के अनुसार जो भी संस्कृति है उसके अनुसार सबका पूजन के कार्य संपन्न होने जा रहे हैं. और शाम में 6:35 को शुभ विवाह सुनिश्चित किया गया है. और इस शुभ विवाह में सब वर वधुओं को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं. नांदेड़ के धर्मभूषण संत बलवंत सिंह जी महाराज की लाभ ने लिए है. और उसी प्रकार सभी लोग और सभी आशीर्वाद देकर श्री क्षत्रिय समाज राजपूत रेणुका देवी मंदिर गाड़ीपुरा नांदेड़ की वती से पिछले 26 वर्षों से वर विवाह सामूहिक विवाह मेलावे की आयोजन किया जाता है. इस वर्ष भी 27वें